सभी शहरों के अंदर अधिकतर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो मिशन चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ रही हैं और जो सामंत वर्गों की बेटियां हैं वो पढ़ रही हैं, लेकिन जो गरीब वर्गों की बेटियां हैं वो नहीं पढ़ पा रही। आज हम देखते हैं गांव-गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है क्योंकि उनके लिए गरीबी और उनके पेट का सवाल होता है। पेट का सवाल होने के कारण वो क्या करती है, मजदूरी करती है, मजदूरी करने के कारण वो स्कूलों में नहीं जा पाती। और इससे ज़्यादा अगर वो पढ़ना भी चाहती मजदूरी करके भी तो क्या होता है कि वो कम पढ़ सकती है क्योंकि स्कूलों का जो स्तर होता है सरकारी स्तर का स्तर होता है बहुत ही गिरा हुआ होता है। हम लोग जहाँ बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, गरीबी के कारण वो इतना कम पढ़ पाती है कि सरकारी स्कूलों में वो सही से टीचर्स नहीं होते, जिस माध्यम के टीचर्स होने चाहिए उसी माध्यम के टीचर नहीं होते हैं तो सही उनको ज्ञान मिल नहीं पाता है। और जो हमारे शहरों में जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं या सामंत वर्गों की लड़कियाँ पढ़ रही हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है, एक ट्यूटर्स भी होता है और एक अच्छे लेवल के टीचर्स भी होते हैं, इसलिए वो अच्छा पढ़ पाती हैं। बाद में आगे चल के क्या होता है, गांव की लड़कियों की जो स्थितियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सातवीं आठवीं पढ़ पाती हैं या तो दसवीं पढ़ पाती हैं, उसके हाई स्कूल का कोई भी माध्यम नहीं होता है, इसलिए गांव से बाहर भी नहीं निकल पाती और पुनः वहीं उसी गांव में रह के वो अपनी मजदूरियाँ करती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती है। 18 साल की हो जाती, शादी हो जाती, ना उनको समाज का ज्ञान होता है, ना देश का ज्ञान होता है, ना जो माँ बन पाती है उसका ज्ञान होता है, ऐसी हमारी महिलाएँ बहुत पिछड़ी हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही कुछ हम लोगों को महिलाओं के लिए एक प्रकार से अमृत दिया था, जो अमृत हिंदू कोड बिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसमें भी बाबा साहब ने विधवा पुनर्विवाह के लिए सहमति दी थी, बाबा साहब ने जो महिलाओं को शादी होने के बाद उसके पिता का धन नहीं मिलता था और उसके विधवा होने के बाद उसके ससुराल का धन नहीं मिलता था, तो ये कोड बिल में उन्होंने बहुत अच्छे से लिख के दिया और कोड बिल में इतने पॉइंट्स उन्होंने दे दिए कि विधवा पुनर्विवाह का भी उन्होंने ही एक प्रकार से पॉइंट रखा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे नेता लोग आते गए हैं, नेता लोगों ने अपने श्रेय के साथ हिंदू कोड बिल को तोड़ मटोर कर इस सरकार ने ये लागू कर दिया, उस सरकार ने वो लागू कर दिया और ये बता दिया, देखो हम नारी सम्मान में कितना आगे बढ़ रहे हैं। और नारी सम्मान में आगे बढ़ते बढ़ते उन लोग ये सोच भूल जाते हैं कि उसी नारी के ऊपर इतने अत्याचार हमारे आज मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों पर हो रहे हैं, बहुजनों पर हो रहे हैं। जब उच्च वर्गीय हम लोग, बाबा साहब ने तो सभी क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम किया था क्योंकि वो चाहते थे कि महिला यानी एक पुरुष की पाँव की जूती है, जब तक महिला पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, इसलिए बाबा साहब ने इतना भरकस प्रयास किया था कि महिलाओं को ही हर क्षेत्र में आगे रखना चाहते थे। बाबा साहब ये चाहते थे कि अगर महिला आगे बढ़ेंगी तो घर आगे बढ़ेगा और घर आगे बढ़ेगा तो देश और समाज आगे बढ़ेगा, इसलिए बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन हमने कालांतर में क्या देख रहे हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी उन्हीं के घर की बचाई जाती है जिन घर की घर में सामंती युग होता है या वो अपने धन से। चंद्रा जी, एक तरफ वो महिला अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उस पर जो जैसे अभी आपने बताया जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं वो अच्छा अच्छा वो बैठती हैं और शहरों में कुछ अपने ही साथियों को बुलाकर उनको संबोधित करती हैं, लेकिन जो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो गाँव देहात तक कब तक पहुँचेगा, इसका आप क्या इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ये कब पहुँचेगा ये तो मैं नहीं बता सकती, मेरे ख्याल से ये ना भी पहुँचे क्योंकि ये होड़ लगी हुई है कि हम ब्राह्मणवादी संस्कृति जिसको हम कहते हैं, ब्राह्मणों से की बात नहीं हम कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी की बात कर रहे हैं, हाँ ब्राह्मणवाद की बात हम करते हैं। और जैसे कि हमने देखा था एक बार एक लड़की का दिल्ली में रेप हुआ था तो उसके लिए हमने एक कानून बना दिया, लेकिन एक दलित महिला के ऊपर या गरीब महिला दलित वर्ग तो ये कानून संविधान नहीं रहा है और नहीं मानती हूँ मैं, लेकिन मुँह से वो निकल ही जाता है। तो इन लोगों ने जिस महिलाओं को या जिन लोगों को दलित बना के रखा है तो उन दलितों को इन लोग दोहन करते जा रहे हैं, अत्याचार करते जा रहे हैं और महिलाओं का तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, बहुत दोहन हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ वहाँ बहुत सी घटनाएँ आती और महिलाओं के ऊपर बलात्कार होते हैं, लेकिन कहीं से भी ना शहर से उसकी आवाज़ उठती है ना गांव से उसकी आवाज़ उठती है क्योंकि उसको दबा दिया जाता है। और उनके उन महिलाओं के साथ जो गरीब वर्ग की महिलाएं होती है उनसे पूछा जाता है कि आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है, आपने ऐसा क्यों किया, वो चार लड़के तो मुंडी डाल के क्यों, उनको यह बताया जाता है, उन महिलाओं को उन स्त्रियों को उन लड़कियों को बताया जाता जिनको हम बोलते हैं बेटी बचाओ, तो बेटी को बचाना है तो बेटी को स्वाभिमान सिखाना है और बेटी को जब तक हम स्वाभिमान नहीं सिखाएंगे तब तक बेटियाँ कुचली जाएंगी और बेटी कुचली जाएंगी तो अमीरों की और सामंतवादियों की ब्राह्मणवादियों की बेटियाँ बची रहेंगी और जो बहुजनों की बेटियाँ हैं जो गाँव बाहर
इन्हें वो ही इस स्तर के काम करती है बेचारी, 10-10 बजे तक बाहर रहेंगी, होटलों में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती है, तो बेचारी 10 बजे तक वो बाहर ही रहती है। उनके साथ साथ कभी कुछ होता तो सरकारें पूछती इसको इतने रात को किसने बोला था बाहर जाने के लिए। तो मैं नहीं कहती कि सम्मान करेंगे, अगर इनको सम्मान ही करना है तो होलिका का सम्मान करना चाहिए। इन्होंने एक महिला होलिका के दिन होलिका कह के उसे जलाते हैं और उसके 3 दिन बाद ही महिलाओं को सम्मान देते हैं और हमारी महिलाएं बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरे को महिला सम्मान मिल रहा है, मेरे को गुलदस्ता दिया गया, मेरे को शॉल दिया गया, मेरे को ये किताब देगी, मेरे को वो किताब देगी। पहले हम महिलाओं को भी ये जानना होगा कि वो जिस महिलाओं को हम जला रहे हैं अगर तब उसको जलाना बंद कर देंगे तो हमारी जो बहन बेटियाँ जल रही हैं उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं तो बच जाएंगी। इसलिए पहले एक महिलाओं को जलाने से बचे तो आपका स्वाभिमान, आपका सम्मान, उस महिला का स्वाभिमान, उस महिला का सम्मान अपने आप ही मिल जाएगा। सरकार की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि महिला ने उठ के बोलना है कि भाई हमको सम्मान चाहिए, तुम देने वाले कोई नहीं होते हैं, इसने मेरे को मारा, बहुत सी बात हो गई थी। एक बार किसी ने एक महिला का बलात्कार किया तो उसका लिंक काट दिया गया है। अगर ये महिला भी इस तरह की बातें करती है, अगर भाई तो हमारे लड़के लोग जो बहुजन पुरुष होते हैं, जो बहुजन युवा होते हैं, हम उनको शील और सदाचार सिखाते हैं। मैं खुद शील और सदाचार सिखाने वाली कि भैया बाबा साहब ने कैसे शील दिए, भगवान बुद्ध ने त्रिरत्न और शील दिया है, इसको पालन करोगे तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। हम अपने बहुजनों को इसकी सीख देते, इसलिए हमारे लड़के हमारे पुरुष ये बलात्कार नहीं करते और ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं करते। लेकिन जो लोग लिंगों की पूजा करवा रहे हैं, शिवलिंग की पूजा करवा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ इससे ब्राह्मणवाद पैदा हो रहा है और लड़के को स्ट्रांग पावर मिलता है। अरे इसकी पूजा कर रहे हैं तो इसका पूजा ही करना ही हमारी संस्कृति है। जब तक इसकी पूजा होते रहेंगी तब तक माँ बेटी के ऊपर बलात्कार होते रहेगा और समाज देखते रह जाएगा। अब अंत में आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि स्वाभिमान से जिए, स्वाभिमान से निकले, पढ़ना भी जरूरी है। और हम लोग जो बहुजन महिलाएं हैं इतने गरीब घर की होती हैं कि रोजी रोटी के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ चले कि उस मनुवादी ने अगर हमारे तरफ आँख उठा के दी तो देखा तो हमने उसकी आँख फोड़नी चाहिए, उसने छू लिया तो उसकी उंगली तोड़ के उसके हाथ में देनी चाहिए। मैं बहुजन महिलाओं से और संपूर्ण महिला वर्ग से यही मांग करूँगी कि अपनी रक्षा खुद करे, अपना स्वाभिमान खुद दे के किसी के पाँव की जूती ना बने। इतना कहकर अपने दोषों को समाप्त करें।